नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के हाथों की उंगलियों पर कुछ ऐसे निशान होते हैं जिससे कि व्यक्ति के भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। दरअसल यहां पर हाथ की रेखाओं के अलावा उंगलियों पर बनने वाले चक्रों के बारे में भी बातें हो रही है। जिससे कि व्यक्ति के भाग्य की गणना करना आसान हो जाता है। समुद्रिक शास्त्र की माने तो व्यक्ति के पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के प्रभाव की वजह से ही व्यक्ति के हाथों के अलावा पैरों पर भी विभिन्न प्रकार की रेखाएं और निशान बनी होती हैं, जो व्यक्ति के भाग्य को पलटने और बदलने में कारगर साबित होते हैं। माना जाता है कि ये रेखाएं भगवान ब्रह्मा द्वारा मानव के हाथों और पैरों में बनाई जाती है। यह रेखाएं सौभाग्य को बढ़ाने में मदद करती हैं। आइए विस्तार से उंगलियों पर बनने वाले इन निशानों के संकेतों के बारे में जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार हाथों के उंगलियों पर बनने वाले चक्र के निशान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के दोनों उंगलियों पर चक्र हो तो वह काफ़ी तेज बुद्धि का होता है। वहीं अगर उंगली पर दो चक्र हैं तो वह व्यक्ति सारी प्रतिभाओं में परिपूर्ण होता है। अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथों की उंगलियों पर तीन चक्र हों तो उसके लिए शुभ नहीं होता है। अगर किसी के हाथों में चार चक्र हो तो उन्हें अपने जीवन में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर पांच चक्र हो तो वह अपनी लेखन के जरिए अपना खर्च चलाता है। अगर किसी व्यक्ति की उंगली में छः चक्र है तो वह बुद्धिमान और तेज होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सात चक्र है तो वह सुख जीवन जीता है। वहीं आठ चक्र के व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नौ चक्र वाले व्यक्ति धनवान होते हैं। दस चक्र वाले व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों का आनंद उठाते हैं। साथ ही इनकी जिंदगी राजा की तरह होती है। अगर व्यक्ति के हाथों की उंगलियों के सबसे ऊपरी हिस्से पर चक्र हो तो वह धनवान और भाग्यशाली होता है। यदि अंगूठे पर चक्र हो तो वह धनवान, प्रभावशाली, बौद्धिक कार्यों में कुशल, पिता का सहयोग और बहुत पैसा कमाता है। अगर चक्र तर्जनी पर हो तो वह धनवान, प्रभावशाली और दोस्तों से सहयोग पाता है। वहीं जिस व्यक्ति के मध्य में चक्र हो तो वह धनवान होने के साथ पवित्र भी होता है। यदि व्यक्ति की शनि के मध्यम उंगली पर चक्र हो तो शनि का आशीर्वाद बना रहता है। वहीं अनामिका उंगली पर चक्र के होने से सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे लोग व्यापार, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ राजनीतिक क्षेत्र में अधिकारी बनते हैं। कनिष्ठा में यदि चक्र हो तो इन्हें व्यापार में सफलता हासिल होती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना।